Hi, Namaskar. Welcome to my channel, Stay Perfectly Imperfect. So today I am here with the fourth video of my birthday series, that is 6 days of top 6 must-haves. So in this today's video, we are going to discuss about 6 different categories of footwear that you must have. मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ऐसे फुटवेयर्स ना बताऊं जो कि ऑलरेडी बेसिकली सबके पास होते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल व्हाइट एंड ब्लैक हील्स या फ्लैट्स, उसके अलावा शूज, स्पोर्ट शूज, रनिंग शूज, समथिंग लाइक दिस, एंड नॉर्मल बेलीज, तो ये सबके पास होते हैं. बट इसके अलावा आई हैव ट्राइड टू डिवाइड द फुटवेयर इन सम वेरी इम्पॉर्टेंट 6 डिफरेंट टाइप्स. So without wasting any time, let's start with the first category. So the first category is transparent heels, or you can say that transparent strap heels. So मैं दिखा देती हूँ कि ये pattern में किस type की heels आती हैं. So I'm talking about this kind of heels. तो इनके जो strap होते हैं वो transparent होते हैं, और इसका रीजन ये है कि ये हील हमारे पास होनी ही चाहिए. इसमें आप हील्स भी ले सकते हो, फ्लैट्स भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू. इफ यू हैव यू नो, अगर आपको आदत नहीं है हील्स पहनने की तो आप फ्लैट्स भी ले लो, बट ट्राई टू कीप इट ट्रांसपेरेंट. तो उससे क्या होगा ना कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ क्लोदिंग ऐसी होती है जिसमें हमें पता ही नहीं होता है कि हम क्या पहने. तो ऐसी क्लोदिंग में आप हमेशा ट्रांसपेरेंट हील्स को कैरी कर सकते हो, वेदर इट बी जीन्स, वेदर इट बी वन पीस, इवन अगर आपको फॉर्मल भी है तो भी आप ट्रांसपेरेंट हील्स को कैरी कर सकते हो. ओके, तो ये बहुत सिंपल होते हैं, बेसिक होते हैं, एकदम से नजर इन पे जाती नहीं है, तो ये बहुत अच्छा है. आप इनको हमेशा अपने पास रखो ताकि अगर आप कुछ ऐसा पहन रहे हो जिसकी फुटवेयर आपके पास मैचिंग नहीं हो तो आप इसको पहन सको. सो हियर इज द फर्स्ट कैटेगरी, लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकेंड कैटेगरी इज लेस यू नो टाई अप फुटवेयर्स. इसमें आप हील्स भी ले सकते हो और फ्लैट्स भी ले सकते हो. आई हैव फ्लैट्स क्योंकि मैं फ्लैट्स ज्यादा प्रेफर करती हूँ, आई डोंट लाइक हील्स, बट स्टिल आप दोनों ले सकते हो. तो मैं ये आपको जो दिखा रही हूँ, दिस इज फ्रॉम कैटवॉक, और इस तरीके की इसमें लेस होती है. ये तो मटेरियल लिटिल बिट शाइनी है क्योंकि मुझे ऐसा मटेरियल पसंद आता है. कभी भी आप अगर सॉलिड कपड़ों के साथ, प्लेन कपड़ों के साथ ऐसे शाइनी फुटवेयर्स को यू नो मिक्स एंड मैच करते हो तो बहुत अच्छा लुक देता है. एंड हम ये तब खरीदते हैं जब हम चाह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छी सोबर ड्रेस पहनी है एंड हम चाह रहे हैं कि हम उसका लुक थोड़ा सा इन्हांस करें, तो हम इस टाइप की फुटवेयर को यूज करते हैं ताकि हम इसको अपने काफ के ऊपर तक बांध पाए एंड इट विल इम्प्रूव एंड इन्हांस अवर लुक इन अ वेरी गुड मैनर. सो दैट इज वाई. और ये कैटवॉक का है, मैं इसका लिंक दे दूंगी आपको. पहली वाली जो चप्पल थी दैट वॉज ट्रांसपेरेंट, वो मैंने शीन से ली है, बट उसके बहुत सारे अच्छे ऑप्शन अजियो में अवेलेबल है. आई विल ट्राई टू यू नो मेंशन द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहां देख लेना. बट ये स्पेसिफिकली फ्रॉम कैटवॉक, आई लाइक कैटवॉक अ लॉट, मुझे उसकी चप्पल बहुत अच्छी लगती है. और एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगी आपको कि हमेशा फुटवेयर पे पैसे इन्वेस्ट करना सीखो, क्योंकि उस पे आपके पूरी बॉडी का, आपके पैरों पे आपकी पूरी बॉडी का भार होता है. अगर आप फुटवेयर अच्छा नहीं पहनोगे तो आपको आगे जाके नी प्रॉब्लम, बैक प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो ऑलवेज ट्राई टू परचेज अ गुड ब्रांड फुटवेयर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो हियर फिनिशेज माई सेकेंड कैटेगरी, लेट्स मूव टूवर्ड्स द थर्ड कैटेगरी इज मोजरीज. तो यार अगर आप एक इंडियन हो और आपके पास अभी तक एक भी मोजरी नहीं है तो ये तो गलत बात है, क्योंकि मोजरी होना तो मतलब कंपलसरी है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो इंडियन के साथ जाती है, यू नो एथनिक के साथ जाती है, वेस्टर्न के साथ जाती है, इंडो वेस्टर्न के साथ जाती है, वो सबके साथ जाती है. बस बात उतनी होती है कि आपको एक ऐसी खरीदनी है जो सब पे जाए, है ना. तो मैं आपको दिखाती हूँ डिजाइन. तो मैं बात कर रही हूँ इस टाइप की मोजरीज की, ऑल दो दिस इज टिपिकली अ एथनिक मोजरी, पर मैंने सिल्वर कलर इसलिए लिया हुआ है क्योंकि मैं इसको मिक्स एंड मैच सबके साथ कर लेती हूँ. मतलब इफ आई एम वेयरिंग अ जीन्स, आई एम हैविंग ब्लैक जीन्स एंड अ लिटिल बिट ऑफ एथनिक टाइप ऑफ शॉर्ट कुर्ती, आई वेयर दिस. तो मैंने सिल्वर, और मैं हमेशा ही हर चीजों में अपने ट्राई करती हूँ कि एटलीस्ट मेरे पास एक ऐसा सिल्वर, गोल्डन, ब्लैक, व्हाइट ऐसे सॉलिड में एक हो जो मैं मैक्सिमम चीजों के साथ पेयर कर सकूं, क्योंकि यार अननेसेसरी पैसा खर्च करना मुझे नहीं पसंद है.
हाँ आप अगर मिक्स एंड मैच करके मैनेज कर सकते हो तो क्या प्रॉब्लम क्या है, आराम से मैनेज करो. तो आई एम टॉकिंग अबाउट दीज काइंड ऑफ मोजरीज. मैं इनके आपको एक दो और ऑप्शन दिखाती हूँ और बताती हूँ उनको यूज कैसे करना है. दिस वन इज टिपिकली यू नो एथनिक मोजरी. तो ये एथनिक के साथ जाएगी बट आई लाइक दिस अलॉट अलॉट. ये बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर लगती है. मोजरी का एक और पैटर्न आता है विच इज हाफ ऑफ दिस. दिस इज कॉल्ड एज म्यूल्स बट ये स्पेसिफिकली थोड़ा एथनिक साइड ऑफ म्यूल्स है इसलिए मैं इसको इस कैटेगरी में डाल रही हूँ. और मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मेरे फुटवेयर में या मेरे क्लोदिंग में एक कपड़ा एक चीज मल्टी कलर की होनी ही चाहिए. तो मैंने आपको अपने इयरिंग वाले उसमें भी दिखाया था कि आई हैव अ मल्टी कलर इयरिंग जो मैं किसी के साथ भी पेयर अप कर लेती हूँ. सिमिलरली आई हैव दिस मल्टी कलर मोजरी, इसको मैं काफी सारी चीजों के साथ पेयर कर लेती हूँ. लाइक इफ यू आर इयरिंग ब्लू रेड ऑरेंज एंड ग्रीन एंड बहुत सारा कलर है. एंड जब मल्टी कलर होता है तो आप मिक्स एंड मैच करके काफी सारी चीजों के साथ पहन सकते हो. तो दैट इज डेफिनेटली अ गुड थिंग. तो ये रही हमारी थर्ड कैटेगरी विच इज कॉल्ड इज एथनिक मोजरी और एथनिक म्यूल्स. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द फोर्थ कैटेगरी इज बूट्स. तो अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसके पास अभी तक एक भी बूट्स नहीं है तो ले लो, क्योंकि बूट्स होना बहुत जरूरी है. और ऐसा नहीं होता है कि अगर आप ठंडी जगह पे रहते हो तो ही आप बूट्स यूज कर सकते हो. यू कैन पेयर बूट्स विथ जीन्स ऑल्सो, विथ शॉर्ट्स ऑल्सो, स्कर्ट ऑल्सो, एंड इवन सम काइंड ऑफ वन पीस इज ऑल्सो, डेनिम वन पीस इज ऑल्सो. तो आप सोचो कि आप एक फुटवेयर को कितने सारे कपड़ों के साथ पेयर अप कर सकते हो. तो क्या प्रॉब्लम है इसको ना लेने में? तो बस एक सलाह मैं जरूर दूंगी कि बूट्स हमेशा अच्छी क्वालिटी के लेना. वो 200-300-400 वाले मत लो, क्योंकि यार कंफर्टेबल नहीं होते ना तो आप उसको आधे घंटे भी नहीं पहन पाओगे फिर. ठीक है, तो मैं जो आपको बूट्स दिखाने वाली हूँ व्हाट आई हैव दीज आर फ्रॉम बाटा. तो मुझे बहुत पसंद है, मैंने सेल में लिए थे एंड दीज आर ऑफ वेरी गुड क्वालिटी. मैं बताऊँ यार दिस इज वेरी ब्यूटिफुल. ये लेदर मटेरियल है एंड बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल. तो इसका एक और वेरिएंट मेरे पास है जो कि है ब्लैक कलर, और ये थोड़े डिफरेंट टाइप ऑफ बूट्स है. जैसे वो थे वो लिटिल बिट ऑफ हार्ड बूट्स, मतलब पूरे ऐसे आप देख सकते हो कि कैसे ही रहेंगे ये इन स्टैंडिंग पोजिशन अगर आप इसको ऐसे छोड़ देते हो. बट जो सेकेंड बूट्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ दैट आर लिटिल बिट मोर यू नो ऑन कम्फर्टेबल साइड. सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ, ये काफी लंबे होते हैं, ये नी के ऊपर आते हैं. ओके, इतना लंबा है ये बूट एंड इट हैज गुड हील्स ऑल्सो एंड इट्स टोटली अप टू यू अगर आप हील्स वाले लेना चाहते हो. बट इतना हील तो एटलीस्ट बूट्स में लेना ही. तो ये बहुत सॉफ्ट मटेरियल के होते हैं और इसको पहनना इतना कम्फर्टेबल, इतने कम्फर्टेबल है ना ये बूट्स, मैं बता नहीं सकती. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट यू नो फाइंड्स फ्रॉम क्या बोलते हैं शीन से. बहुत अच्छी क्वालिटी के बूट्स मुझे मिले थे और इनका प्राइस कोई बहुत ज्यादा नहीं था, 1500 अराउंड कुछ था. एंड 1500 इज यू नो टोटली वर्थ फॉर दिस. सो आई लाइक देम अलॉट. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द कैटेगरी इज म्यूल्स. ओके, सो नाउ आई विल टेल यू व्हाई आई हैव इंक्लूडेड म्यूल्स एंड व्हाई आई हैव एक्सक्लूडेड बेलीज इन माय फुटवेयर कैटेगरीज. क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे म्यूल्स ज्यादा कंफर्टेबल लगते हैं एज कम्पेयर टू बेलीज. तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल दिखा देती हूँ कि म्यूल्स ऐसे होते हैं. सी, इनका बैक पोर्शन जो होता है दैट इज ओपन, यू नो बेली में ऐसा नहीं होता, दैट इज टोटली पैक. तो मुझे ये क्यों पसंद है, क्योंकि यार एक तो इन्हें पहनना इज वेरी इजी, आपको कभी भी ऐसे ट्राई नहीं करना पड़ता उंगलियों से कि एडजस्ट हो जाए या वैसा. एंड दीज आर वेरी सुपर डुपर कंफर्टेबल. और मैं इसमें हमेशा बोलूंगी कि ऐसे म्यूज में आपको ऐसी डिजाइन लाइक एनिमल प्रिंट, और अगर आप मुझे अभी तक फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि एनिमल प्रिंट मुझे कितना ज्यादा पसंद है. सो या आई लव दीज एंड दीज आर फ्रॉम कैटवॉक ऑल्सो. बहुत अच्छा, इनका क्वालिटी बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल है. इवन मैं अगर इनको मुझे कभी अगर शॉपिंग वगैरह पे जाना होता है ना तो मैं हमेशा इनको पहन के जाती हूँ. क्योंकि क्या होता है, एक तो इनको ऐसे आराम से आप फुटवेयर वगैरह भी ट्राई कर सकते हो पहन उतार के, और उसके अलावा ये बहुत कंफर्टेबल होते हैं. तो मैंने इनको 4-5 आवर्स अराउंड वेयर किया है बट दे आर वेरी 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 कंफर्टेबल. इसका एक और पैटर्न मैं आपको दिखाना चाहती हूँ दैट इज लिटिल बिट ऑफ फंकी. सो इट्स लाइक दिस, इस टाइप का पैटर्न है इसका. ओके,
तो यार ये मुझे ना ये जो गोल्डन स्टार्ट्स वाले पैटर्न है मुझे बहुत पसंद है। मैं कब से ये चाह रही थी। इसके कुछ डिजाइन्स लावी ने भी डिजाइन किए हुए हैं ऐसे फुटवेयर, बट उनके में बहुत ज्यादा है ये गोल्डन। ये मैंने शीन से लिया था एंड आई कैन नॉट टेल यू, ये बहुत ही ब्यूटीफुल फुटवेयर है एंड इवन ऑन द सेम हैंड इट्स वेरी 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 कंफर्टेबल। सो आप इस टाइप के पॉइंटेड म्यूल्स में या फिर इस काइंड के सिंपल म्यूल्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो फॉर श्योर। सो हेयर एंड्स माई फिफ्थ कैटेगरी। नाउ मूविंग टूवर्ड्स दिस कैटेगरी इज फ्लिप फ्लॉप और यू कैन से दैट स्लाइड ऑन्स। काफी सारे नाम हैं इनके बट आई कॉल देम एज फ्लिप फ्लॉप एंड दैट इज गुड। सो मैं आई एम टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। ओके, तो यार ये मैं क्यों इनको मैंने कैटेगरी में रखा, क्योंकि ये सबसे कंफर्टेबल फुटवेयर है। यार देखो, एक तो ये स्लीपर नहीं है बट ये काम स्लीपर जैसा भी कर देते हैं। ये मतलब वाटरप्रूफ भी होते हैं येट बहुत ट्रेंडी भी होते हैं। तो जैसे मैं आपको दिखाऊं, मैंने ये जो है ये होलोग्राफिक प्रिंट है एंड दिस इज इन व्हाइट कलर एंड दे आर वेरी 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 यू नो ट्रेंडिंग। मुझे तो बहुत पसंद है ये। इसके अलावा मैं एक और कैटेगरीज में दिखाती हूँ दिस वन। देखो ये कितना ब्यूटीफुल कलर है, कितने प्यारे लग रहे हैं। मैं इन दोनों के लिंक्स आपको जरूर दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि ये बहुत कंफर्टेबल होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, आप इनको डेफिनेटली खरीद सकते हो एंड दिस मस्ट बी इन योर फुटवेयर कैटेगरी। ये होना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक तो ये बरसात में काम करते हैं और ये हर सीजन में काम करते हैं। सो दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट दीज फुटवेयर। सो यहाँ मेरा वीडियो खत्म होता है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट को सब्सक्राइब कर दो एंड नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दो। मैंने 3 वीडियो सक्सेसफुली डाल दिए थे, दिस इज द 4th वीडियो एंड आई एम होपिंग कि लास्ट 2 वीडियोज भी मैं डालू। एंड प्लीज चेक आउट द लास्ट वीडियो, दैट इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंटरेस्टिंग। So now I think I have to wrap this up. So yeah, at last but not least, believe in the philosophy of loving yourself. Bye bye.